नमस्कार, मैं हूँ अब रत्नागिरी में और ये जगह है थीबाओ पैलेस। आपने वो गाना तो सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन। तो रंगून जो है वो बर्मा का कैपिटल था और उस समय ये जो महल है या जो उसको थीबाओ पैलेस बोलते हैं, ये पैलेस बनाया गया था राजा थीबाओ ने। एक्चुअली हुआ क्या था कि बर्मा में राजा का राज था और 1885 में अंग्रेज़ों ने उन्हें हरा दिया और उन्हें कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, और उनको पहले वह मद्रास ले आए, यानी पहले अभी का जो चेन्नई है वहाँ ले आए, और फिर बाद में उसको रत्नागिरी ले आए। रत्नागिरी में राजा के कहने पर उन्होंने उसे ये बंगला बना के दिया। तो ये बंगला 1910 से लेके 1916 तक राजा थीबाओ यहाँ पे रहते थे। वो बहुत ही समझदार और बहुत ही शिक्षित राजा थे। उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे अपने देश में, और लेकिन वो अंग्रेज़ों से हार गए और उन्हें अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एक्साइल किया और फिर यहाँ पे उन्हें ये बंगला बना के दिया। और इस बंगले में उनकी रानी जो है वो 1912 में गुजर गई और राजा खुद 1916 में गुजर गए। तो इस बंगलों की खासियत ये है कि ये एक एक्साइल किंग का बंगला है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर कुछ भी नहीं दिखा सकता। ये अच्छी जगह है घूमने के लिए। अगर आप गणपति फुले आते हैं तो रत्नागिरी के थ्रू ही आओगे, और रत्नागिरी में ये एक देखने लायक जगह है। है पुराना महल लेकिन मेंटेन किया हुआ है, अभी ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर है। आप अगर रत्नागिरी आते हो तो अवश्य देखने आना इसे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ कुछ कमेंट्स भी लिखिए कि आगे आपको क्या चाहिए, कैसे वीडियो चाहिए और क्या क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ। मैं वीडियो सिर्फ एक शॉट में ही बनाता हूँ, ना एडिटिंग करता हूँ ना प्रोसेसिंग करता हूँ, सिर्फ मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ। तो थोड़ा बहुत तो क्वालिटी में होगा कमी, लेकिन मैं एज एन एमेच्योर कर रहा हूँ और मुझे कोई इतना बड़ा शौक नहीं है कि मैं प्रोफेशनली करूँ, फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से।